ये सड़क को हम लोग को सबको मिल के बनवाना है और जिला प्रशासन से इसी को लेके गुहार कर रहे हैं, ये सड़क बनवा के जो ये सड़क नर्क जैसा है इसको स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। और आज यदि इस सड़क के मार्ग में कहीं भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो जाए तो रातों रात यह सड़क बन के तैयार हो जाएगी। आखिर उस वक्त यह सड़क बनाने के लिए फंड कहाँ से आता है? जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यह सड़क नहीं नरक है, नरक है। यह जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अररिया कोट रेलवे स्टेशन सड़क के निर्माण को लेकर सीमांचल युवा जागरण मोर्चा का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया। बता दें कि सीमांचल युवा जागरण मोर्चा के द्वारा पूर्व में भी कई बार जिला पदाधिकारी से लेकर संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया कि जल्द से जल्द NH-57 से अररिया कोट रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए, किंतु जिला प्रशासन के इस सुस्त रवैये की वजह से मोर्चा ने बार बार प्रदर्शन कर इनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी, परंतु अब तक सड़क के निर्माण में जिला प्रशासन या संबंधित विभाग के द्वारा किसी भी तरह का कोई सार्थक पहल नहीं होते देख मोर्चा ने अपने पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज 25 अप्रैल 2022 को रेलवे स्टेशन जाने वाली मार्ग पर अररिया प्रखंड कार्यालय के समीप मोर्चा के संस्थापक सह अध्यक्ष गगन झा, मोर्चा उपाध्यक्ष अमित शाह, अविनाश कुमार उर्फ पप्पू शाह, मोर्चा प्रवक्ता देवराज, रुपेश भगत, रिंकू झा, शबनम झा, राजेंद्र रमन, जोगेंद्र ऋषिदेव सहित दर्जनों कार्यकर्ता के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। भूख हड़ताल पर बैठे मोर्चा के संस्थापक सह अध्यक्ष गगन झा ने कहा कि जब तक उक्त सड़क के निर्माण की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक मोर्चा का भूख हड़ताल जारी रहेगा। आज आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं जिला प्रशासन से? आपका जिला प्रशासन से जो अररिया कोट जाने वाली सड़क है, रेलवे स्टेशन हम लोग जाते हैं अपने जिला में, और वो सड़क पिछले 10 साल से गगन भैया जो सीमांचल युवा के अध्यक्ष है उस सड़क को लेके मांग पे बहुत बार धरना पे बैठे हुए हैं, पुतला भी दहन हुआ है, लेकिन प्रशासन के तरफ से या फिर कोई कार्यकर्ता की तरफ से जो रोड का निर्माण करते हैं सरकार के हिसाब से कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, जिसको लेके आज 25 अप्रैल को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जो कि गगन भैया जो अध्यक्ष है वो सुबह से आज भूखे प्यासे हो के और यहाँ एक रोड बनवाने के चलते यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और अगर इसको इस बार नहीं अनुमति दिया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी उनके साथ बैठे हैं, संस्थापक के साथ जो बैठे हैं, साथ में कार्यकर्ता जो भी है, किसी के साथ दो दिन एक दिन में अगर भूख हड़ताल नहीं मतलब अनुमति दिया जाए, तीन दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, किसी के साथ कुछ घटना होगी तो इसका जिम्मेदारी प्रशासन को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आम आदमी को और हम लोगों को, उनके परिवार को। और एक चीज़ कहना चाहते हैं इस सड़क के लिए कि अब ये अब युवाओं की है बारी और भ्रष्टाचार मिटाना है। जब तक ये सड़क नहीं बनेगा सीमांचल युवा मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा, और जिला प्रशासन से इसी को लेके गुहार कर रहे हैं ये सड़क बनवा के जो ये सड़क नर्क जैसा है इसको स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है और पता नहीं कब तक रहेगा। इसीलिए प्रशासन जल्दी इस पहलू पे गौर करे और इसको इग्नोर नहीं करे तो इस बार अच्छा होगा, क्योंकि इस बार आम जनता भी आक्रोशित हो रहे हैं, यहाँ के बहुत बात बोल रहे हैं आके यहाँ पे कि रोड जाम करना है, ढट्टा लगाना है, लेकिन गगन भैया जो कि बोले नहीं, प्रशासन सुनेंगे और एक उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं, तो प्रशासन को इन मुद्दे पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं। अररिया कोट जाने वाली जो सड़क है, जर्जर सड़क है, नर्क बनी हुई है, उसी को बनवाने का मांग कर रहे हैं। तो इस पहलू पे आप लोग भी सब सपोर्ट करिए और ये सड़क बन जाती है तो अररिया की जान है। ये मंत्री लोग एरोप्लेन से जाते हैं पर आम आदमी तो यही रेलवे स्टेशन ट्रेन से ही ना हर जगह जाते हैं, आखिर इसी रोड से जाना पड़ता है ना, इसीलिए इस सड़क को बनवाने में आप लोग भी मदद कीजिए और हेल्प कीजिए, प्रशासन को जागरूक कीजिए, प्रशासन को बोलिए गौर करने, क्योंकि अब इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। रेलवे स्टेशन रोड को लेकर के आपने कई बार यहाँ पर धरना दिया है और आज से भूख हड़ताल पे आप बैठे हुए हैं, जी क्या मांगे हैं आप? जी देखिए, यह जो सड़क है यह सड़क पिछले कई वर्षों से इसी तरह जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, और हमारी जो संगठन है सीमांचल युवा जागरण मोर्चा ने
जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को कई बार पत्राचार किया है, लेकिन इस सड़क पे किसी भी प्रशासन का या विभाग का ध्यान अब तक नहीं गया गया, और ना ही हमारे जिला के जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो इस संबंध पे पहल कर रहे हैं। अंततः हमने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि 21-22 अप्रैल तक यथाशीघ्र इस सड़क के निर्माण की अनुमति दी जाए, अन्यथा हमारी संगठन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगी। और जिला प्रशासन के द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा अब तक किसी भी तरह का कोई भी सार्थक पहल इस अररिया कोट रेलवे स्टेशन जर्जर सड़क के संबंध में नहीं किया गया, जिसको लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जब तक इस सड़क के निर्माण की अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, और यह भूख हड़ताल हमारा अनिश्चितकालीन है। देखिए, हम लोग कई महीनों से इस सड़क के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, यह सड़क आज से 10 साल पहले भी डैमेज हुआ था, और उस वक्त भी हमारी संगठन ने आंदोलन किया था, आवाज़ उठाया था। उस समय यह सड़क अररिया नगर परिषद के अधीन आती थी, लेकिन अररिया नगर परिषद उस वक्त आनाकानी करती थी कि इस सड़क को बनाने के लिए हमारे पास उतनी राशि नहीं है। तब जाकर के श्रम विकास योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण कराया गया 2012 में, और 2012 के बाद आज यह 2022 हो गया है, समथिंग 2018-19 में यह सड़क पुनः जर्जर हो गई, और उस वक्त से हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन यह सड़क नहीं निर्माण हो रहा है। लेकिन आज यदि इस सड़क के मार्ग में कहीं भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो जाए तो रातों रात यह सड़क बन के तैयार हो जाएगी। आखिर उस वक्त यह सड़क बनाने के लिए फंड कहां से आता है? अब बरसों से अभी यह सड़क जो जर्जर है, लोगों का दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, वह उसके लिए, इस सड़क के निर्माण के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या क्या यह आम पब्लिक को या जिला प्रशासन कहें या यह प्रशासनिक तंत्र आम पब्लिक को धुरवा बना रहे हैं ये लोग? यह तो साफ नज़र आ रहा है। इसलिए कि हम लोग तो क्लियर कर लिए हैं कि जब तक इस सड़क के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, हमारी संस्था अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहेगी। और यदि हमारे संस्था के भूख हड़ताल पर बैठे हुए किसी भी मोर्चाकर्मी के साथ किसी भी तरह का अनहोनी अगर होती है, तो उसकी सारी जवाबदेही अररिया जिला प्रशासन की होगी और हमारे बिहार सरकार की होगी, जो इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।